मैंने पहले प्ले स्टोर से देख के ये ऐप डाउनलोड किया था, हैंडीकैप। उसमें पूरा लॉगिन क्या करता मैं, इसमें अरे लॉगिन करते ही ऑटोमेटिक वो दो अलग 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 ऐप से 3,000-3,000 रुपए। नहीं तो पैसा आ गया अकाउंट में तो आप रखे रहिए, आपको पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? ना ना, कॉल में से आता है तो इग्नोर कीजिए, ठीक है ना? पैसे वैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, मैं पुरानी बात बता, मैं एक मिनट सर, मैं पुरानी बात बता रहा हूँ। तो मैं 4,000 रुपए इधर से मेरे दोस्त के पास से एडजस्ट करके, ये 6 दिन का नहीं होना, आवाज आपकी कट रही है, क्लियर कर दिया। उसके बाद तो एक ये 4-5 पे मैं वो गलती से आ गया लोन, फिर मैं एडजस्ट करके, आवाज आपकी नहीं आ रही है। दोस्तों इनकी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही थी, चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पर इसी प्रकार का वीडियो आएगी, जो मेन चैनल है टेक्निकल जी पर है उस पर, मतलब कि जो भी है 5 मिनट का 10 मिनट का उस पर वीडियो आएगी, इस पर केवल बात विचार करने वाली वीडियो आएगी। तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करें, जो सोच रहे कि फ्रॉड एप्लीकेशन का हम रिपेमेंट करें, तो कोई भी फ्रॉड एप्लीकेशन का आपको रिपेमेंट नहीं करना है। कॉल में से आ रहा है, आसानी से आप लोग इग्नोर कीजिए, कोई भी टेंशन लेने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। तो जितना आप टेंशन लीजिएगा उतना आपको दिक्कत यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना? तो फ्रॉड एप्लीकेशन का जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए। और एनबीएफसी के बारे में बता देना चाहता हूँ, यदि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं नहीं चुकाते हैं तो सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगी। एनबीएफसी में ये नहीं है, सिविल स्कोर आपका डाउन हो जाएगी तो एनबीएफसी। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ भाई, यही नवी में लिया था ना, टाइम खत्म हो गया, 18 लिया था मैंने, 9 पे कर दिया अभी, दिसंबर था ना 22 वो लास्ट डेट था पूरा ईएमआई का। मैंने अभी नई इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, अभी नई बाकी है। वो लोग बोल रहे विजिट के लिए, तो नहीं कोई टेंशन नहीं होगा, इग्नोर कीजिए, उनका काम है, ठीक है? और उनका काम है मतलब कि बोलना, ऐसा सब कोई टेंशन नहीं, मतलब नहीं आते ना ना, ऐसा सब कुछ नहीं। मैंने तो आप तो पे भी कर दिया अभी, अच्छा अच्छा, और बाकी है वो भी कर दूंगा मैं, ये यही बार बार कदम खेल दिए रहे। नहीं ना, ऐसा ऐसा कुछ होने वाला नहीं, जितना हो सके उतना इग्नोर कीजिए, ठीक है? नहीं आ सकते इतना जल्दी, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि हाफ पे कर दिया ना तो नहीं आ सकता है, मतलब चांस ही नहीं आ रहे। ना ना, चांस ही नहीं है, मतलब कब तक आ सकते हैं, अभी कितना टाइम वो बोल सकते हैं? नहीं आ सकता है, समझिए आधा पे कर दिए तो नहीं आ सकता, केवल आप पर मैसेज कर सकता है, इतना ही बस। हाँ मतलब डरने का कोई नहीं है अभी, ना ना कोई डरने का नहीं, आराम से आराम से कर सकता हूँ पे। हाँ हाँ हाँ, यही यार थोड़ा डर हो गया था, ये लोग इतने बोल रहे थे घर आ जाएंगे आ जाएंगे। नहीं कोई टेंशन नहीं, उन्होंने कोई बात नहीं, ठीक है ना? ठीक है भाई, थैंक यू भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना है, यहाँ पर कॉल लगाते हैं। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए, कोई भी वीडियो है पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैनल पर केवल इसी टाइप का मतलब वीडियो आने वाला है। यदि आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब इस पर 5-10 मिनट का, तो इस पर 5-10 मिनट वीडियो नहीं आएगा, इस पर यही बात विचार करने का वीडियो आएगा। तो इस वीडियो को पूरा जितना हो सके उतना देखिए और शेयर भी कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर आ जाइए,
वहां पर क्या है कि लोन से रिलेटेड हम वीडियो डालना स्टार्ट कर दिए हैं, तो वहां पर भी आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा तो 100% मतलब कि सपोर्ट इधर से मिलेगा। तो कोई भी एनबीएफसी एप्लीकेशन का नहीं रिपेमेंट करते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा हाँ हाँ नहीं, आने वाला नहीं, ये ऐसे मतलब भेजते रहता है। नहीं नहीं आने वाला नहीं है, ऐसे सब पर मतलब भेजा जाता है केवल, ऐसा कोई ऐसा ऐसा कुछ मतलब किया नहीं है कि मतलब जरूरी नहीं है घर पर आएगा। नहीं रुपीडी का अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो भी है नबी ओबी का है चाहे मनी भी का है, अब लोग कोई कोई मैसेज करते हैं कहा गया है, लेकिन रुपीडी का तो कोई नहीं बोला है अभी तक। ना ना ब्रांच का नहीं आता है, ब्रांच का नहीं आता है, क्योंकि ब्रांच ब्रांच से कितना लोन था? नहीं ब्रांच का नहीं आता, रिंग उंग का मतलब कि रहता है, रिंग का एम पॉकेट का चाहे क्रेडिट भी का। नहीं रूपी रेडी का मतलब कभी तक नहीं आया है किसी घर पर, लेकिन ये सब एम पॉकेट है, रिंग है, ये सब जल्दी मतलब घर पर आते हैं। नहीं कुछ नहीं होगा, इसको इग्नोर कीजिए, ठीक है? हाँ जितना हो सके इग्नोर कीजिए, ऐसे सब पर आता है, किसी से भी आप लोन लीजिएगा, यदि फ्रॉड एप्लीकेशन से भी लोन लिए हैं चाहे कहीं से भी लोन, तो ऐसे मतलब सब पर भेजा जाता, जरूरी नहीं कि आता है घर पर, नहीं आता है। और ऊपर से रुपी रेडी का आज तक किसी घर पर गया नहीं है, तो इसमें यही बोलेंगे कि नहीं आएगा ये। हाँ हाँ तो चलिए दोस्तों यहाँ पर डिस्कनेक्ट यहाँ पर होगी। तो रूपी रेडी के बारे में यहाँ पर बात विचार हो रहा था, तो रूपी रेडी का नहीं आता। अब चलिए यहाँ पर मैसेज थोड़ा देख लेते हैं, क्या बोल रहे भाई सर। 5-6 महीने पहले मैं ये ऐप डाउनलोड करके लोन ट्राई किया था, तो 6 दिन का लोन बताने के बाद में वो 3000 आए, तो मैं वापस किया सर, मैं फिर 4000 ऐड करके उसको क्लोज करवा दिया। फिर 1 तारीख को मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिक
3 4 दिन से मुझे back to back बहुत कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे सर, आप जैसा बोले मैं वैसे ही किया, व्हाट्सएप को मैं अनइंस्टॉल करा सर, और करके मैं साइबर क्राइम में जाके रिपोर्ट भी किया, एक्नॉलेज नंबर मुझे आया उसका, फिर मेरे अभी तक वो रेफरेंस पे कॉल नहीं किया किसी को भी। मैं आप बोले थे ना सर, तो एक दूसरा ऐप में लॉगिन करो बोल के, वो फेक बोल के, तो मेरे घर पे पुराना फोन है उस पर मैं किसी का भी नंबर नहीं है उसमें, उसमें लॉगिन पूरा फोटो वोटो हटा के लॉगिन किया, मगर वो जो मेरे को व्हाट्सएप पे फर्स्ट दिन भेजा था सर मुझे, वो एक मैं मेरे दोस्त का नंबर दिया हूँ रेफरेंस में, उसका नाम अल्ताफ है, अल्ताफ को कॉल करूँगा अभी ये बोल के बोला था सर, मगर अभी तक वो अल्ताफ को किसी को भी कॉल तो नहीं किया सर। 70 कॉल आया है। अच्छा तो अब तो मतलब कि फोन इनका तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, नहीं तो सारा चीज बात विचार हो जाता, लिख देते हैं, लेकिन अब रिपेमेंट मत कीजिएगा, तो जितना रिपेमेंट आप यहाँ पर सुन लिया ना, मतलब की बात रिपेमेंट ये कर रहे थे तो मतलब कि क्या हुआ इनके साथ, तो रिपेमेंट आप करते रहिएगा तो बहुत ज्यादा आप फंसते रहिएगा, समझ गए, इसीलिए रिपेमेंट आपको नहीं करना है। मेरा फोटो भी मेरा पीस भी भेजा है, दो नंबर पर आया है पर कोई रिप्लाई नहीं किया वो। अच्छा श्रीलंका का नंबर से आ रहा है, क्या मतलब कि अच्छा कैश फ्रॉड एप्लीकेशन। आप स्टोरी लगा दो भाई, स्टोरी लगा दो, कितना लोग फ्रॉड एप्लीकेशन में आप लोग फंस रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा भाई, आप स्टोरी लगा दो, मोबाइल हैक हो गया है, मोबाइल हैक हो गया, आप सिंपल से स्टोरी लगाइए भाई, उसके बाद एजेंट आते हैं क्या, मैं कोलकाता से हूँ, अच्छा अच्छा टू बैलेंस है, कितना है इनका 12,000 का हमारा इतने हमारा आया ही नहीं, नहीं आएगा भाई ट्रू बैलेंस है, कोई टेंशन लेने वाली बात, जितना हो सके उतना रिपेमेंट नहीं करना। हाँ गोल्डन रुपए, अच्छा अच्छा क्या मतलब कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है भाई, फ्रॉड लोन का कभी भी आपको रिपेमेंट नहीं करना है, फ्रॉड एप्लीकेशन भैया बताइए क्या पूछा है भाई। फ्लिपकार्ट मेरा अकाउंट मतलब ये हो गया है, चलिए भाई चलिए कॉल लगाते हैं। हाँ भाई शुक्रिया भाई आप सब, हाँ भाई बोलिए आवाज आ रही है आपको। हाँ भाई बोलिए बोलिए भाई, मेरा फ्लिपकार्ट पे जो है ना 5,000 के आसपास मेरा लोन बचा हुआ है इसपे। ये तो ब्लॉक हो गया होगा फिर। हाँ तो वो मेरा पिछला हुआ उससे पहले ब्लॉक हो रखा था, मैंने टाइम पे पेमेंट किया था तभी मेरा ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद ब्लॉक करने के बाद में फिर जो मैंने उनको कॉल किया था वो बोल रहे थे अब जो परमानेंटली ब्लॉक हो गया, उसके बाद भी जो है मैं टाइम पे पेमेंट करता हूँ, बट इस मंथ जो है कुछ प्रॉब्लम आ गया उसके चलते मैं जो है मैं पेमेंट नहीं कर पाया, मेरे पास जो है 3,000 जो अकाउंट है भाई, वो मुझे मैसेज आते थे मैं उनको रिप्लाई टिप्लाई कुछ नहीं करता हूँ, मेल आते हैं मैं कुछ जवाब नहीं देता हूँ। मतलब 5 तारीख लास्ट डेट होती है ना, तो मैंने अभी तक उसका पेमेंट किया नहीं, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास जो पैसे आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ तक जो आ जाएंगे तो मैं तब कर दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नेक्स्ट मंथ में पैसा दीजिएगा तब पर भी तो आपको ओपन नहीं होगा, समझ गए, फिर लेटर नहीं, लेकिन देखिए रिपेमेंट उसके बाद भी कर दीजिएगा तो क्या है कि मतलब कि आपको एनबीएफसी एप्लीकेशन में लोन लेने में थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि रिजेक्ट कर देगा सर, समझ गया। अब मान लीजिए देखिए सिविल में शो करता है ना, मान लीजिए क्या है कि एक दिन भी लेट कीजिएगा चाहे एक महीना लेट कीजिएगा तो सिविल में शो करता है आप 1 महीना लेट किए हैं,
तो उसमें क्या है कि कोई भी कंपनी आपको लोन देने में थोड़ा सोचेगी कि आपको लोन दे, तो उसके बाद बोल देगा कि आप इलिजिबल नहीं है, जबकि सिविल स्कोर आपका बढ़िया बन गया होगा तब पर इलिजिबल नहीं है, ऐसे भी मतलब कि नहीं देगा। यही होता है लेट पैसा देने में जो ऑनलाइन लोन लेते हैं उसमें। बट अब मतलब क्या करूं, मतलब मैं पेमेंट कर सकता हूं? नहीं दीजिए, इसका मत दीजिए 5,000, क्या दे रहे हैं आपको? क्योंकि इसका क्या है कि मेरे जब पैसा मिलेगा नहीं, जब ओपन होगा नहीं पे लेटर, तो देकर फायदा है आप बताइए। तो मुझे ये सोच के डर लग रहा है ना कि आगे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसे भी तो प्रॉब्लम हो गया है, ऐसे भी तो प्रॉब्लम हो ही गया है आपका। मान लीजिए कोई भी ट्राई कीजिएगा तो मिलेगा नहीं, तो क्या फायदा देने का आप बताइए। इसमें लिखा हुआ था ना कि मतलब लीगल एक्शन? ना 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 ना, ये सब कहाँ से, ये तो अपने फर्जी भी होते हैं, वो भी लीगल एक्शन का बात करते हैं। फ्रॉड भी एप्लीकेशन, वो भी तो बोलता है लीगल एक्शन ले, कुछ ऐसा वैसा होता नहीं है, झूठ मूठ का सब डराने धमकाने के लिए करता है सब, कोई लीगल एक्शन नहीं होता है। अब 1,000 के लिए 2,000 की लीगल एक्शन होगा बताइए, जिसका पे लेटर 1,000 का है, पे लेटर में चाहे 500 का, अब लोन नहीं दिया नहीं चुकाया तो उस पर क्या लीगल एक्शन, जेल जाएगा 500 के लिए 5,000 के लिए। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम और था कि मेरा जो है ना 2 मंथ जो है, मतलब ये अगला नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है उसमें मेरा मतलब 2 मंथ का जो मेरा लगभग 2,300 रुपए जो है और जाएगा, मतलब 2,600 रुपए करीब और जाएगा। तो वही मैं सोच रहा हूँ भाई कि मतलब ये पे करूँ कि ना करूँ। नहीं छोड़ दीजिए, क्या पे करना है, जब ओपन होगा नहीं तो ऊपर से मतलब इतना दिन हो गया है, अब टाइम पे टाइम रिपेमेंट करते तो बात भी रहता। हाँ, मैं टाइम टू टाइम भाई रिपेमेंट करता था, बट ये मैंने देखा ना कि मतलब एक बार जो है मेरा मतलब 3-4 महीने पहले जो है मैंने एक मतलब 2-4 दिन लेट हो गया था, तो इस पे इन्होंने कहा था कि लास्ट वार्निंग मिल रही है आप लोग को, तो आगे से जो नहीं करेगा, तो इन्होंने मेरा 3 महीने तक कैंसिल नहीं किया। बट मेरा अगली बार मैंने टाइम पेमेंट किया भी तो मेरा जो है ऑटोमेटिकली वो ब्लॉक हो गया। मैंने उनको बोला भी तो उन्होंने बोला कि आपका टाइम तो मतलब टोटल पेमेंट टाइम पे हो रखा है, तब भी जो है वो बोल रहे थे आप परमानेंटली ब्लॉक हो चुका, वो नहीं खुलेगा। तब भी जो है मैं क्या कहते हैं उसके बाद भी 2 महीने से मैं लगातार टाइम पे पेमेंट कर रहा था, बस इस मंथ मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, पैसे भी खर्च हो गए थे उसके चलते मेरे को 2-3 हजार की प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी क्या मेरे पास अकाउंट में उतने हैं, बट ये 2-3 हजार मुझे कम पड़ रहा है। मैं यही सोच रहा था कि अब नेक्स्ट मंथ, मैंने किसी को बोला भी है तो बोला नेक्स्ट मंथ तक आएगा, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अब इसको पेमेंट अगर मैं लास्ट तक कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसका प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, समझ गया, प्रॉब्लम नहीं है, बट यही है कि मतलब कि लोन नहीं देगा सब, ओपन नहीं होगा, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम कोई नहीं है। मैंने सुना है ना कितने आदमी बोलते हैं कि भाई वो आ जाते हैं घर पे ये वो, ना ना अभी तक तो घर पर नहीं आया है तो कहाँ से बोल सकते हैं। पहले कर का आपका वीडियो देखा था मैंने, वही मैंने देखा था आपका भी सर फंस गया था क्या? हमारा भी ब्लॉक है पेलेटर, आपने पेमेंट नहीं किया? ना ना, हम पेमेंट नहीं किए हैं। आपका कितने का था? हमारा था मतलब ज्यादा नहीं था, हमारा तो बोले तो 1,500 का था। आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया? ना ना, अभी तक नहीं किया। तो कोई इशू नहीं हुआ? कोई इशू नहीं हुआ। कॉल तो आता होगा भाई? अभी कॉल पहले आता था, अब नहीं आता है। 1,500 मतलब कि 5 महीना हो गया। सिविल स्कोर डाउन हो गया है। मैं यार वही सोच के मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि सिविल स्कोर आगे तो कहीं भी प्रॉब्लम ही होगा लोन लेने में। भाई मेरा ये है ना कि मेरा ये पर्सनली जो है ना मेरा अपना कुछ सामान नहीं है, वो बोलते हैं ना कि मतलब फ्रेंड फ्रेंड के चलते में उन सब के चलते में जो ना मेरा ये एक्स्ट्रा हो गया। अब मैं वही सोच रहा हूँ ये मेरा खत्म हो जाए सबके बाद ही सबसे बंद कर दूंगा। खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं करते हैं, कोई टेंशन लेने वाले, जितना टेंशन लीजिएगा उतना ही टेंशन होगा, ठीक है? मैं इसलिए मुझे दूसरा डर मुझे ये भी था, मैंने इनका कॉल जो है एक बार रिसीव नहीं किया। मैंने जिस दिन आपका वीडियो देखा उस दिन मतलब 5-6 तारीख थी, 5 तारीख के बाद मैंने इनका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया, उससे पहले भी मैंने रिसीव नहीं किया था, तो मुझे ये भी लग रहा था मैं कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूँ कोई लीगल एक्शन तो नहीं लेगा। ना ना ना, ऐसा ऐसा नहीं होता, वही पूछ रहा था भाई। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है?
जितना हो सके उतना है, मतलब कि क्या है कि मान लीजिए कि रिपेमेंट कर दीजिएगा तो कंपनी के नजर में आ जाइएगा कि पैसा भाई दिया है, समझ गए? हाँ, तो कभी रिपेमेंट कर सकते हैं, रिपेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए नो डाउट है, कभी भी रिपेमेंट आप कर सकते हैं। हाँ तो रिपेमेंट तो मतलब भाई इसका मतलब चार्ज कितना लगता है, जैसे ये जो उसमें लिखा हुआ है कि ये रोज का चार्ज लगाता है ना सब, रोज का कितना चार्ज लगा रहा है सब? अभी तो मेरा इस पे एक भी चार्ज नहीं लगा है, मतलब जितना मेरा था उतना ही दिख रहा है मेरा। पैसा के हिसाब से चार्ज लगाता है सब, 1000 पर इतना उतना इतना, लेकिन पैसा देने जाइएगा तो वो सब चार्ज आपका लग गया होगा। हाँ क्योंकि मैं अभी इसमें देख रहा हूँ ना, तो मेरा इसमें जो है मतलब 5000 ही शो कर रहा है, मतलब 5076 रुपीज उतना ही शो कर रहा है जब से। ना तो रिपेमेंट जस्ट कीजिएगा ना तो आपका मतलब कि शो करेगा कि इतना चार्ज लगा है। अच्छा यार ये पॉलिसी बहुत खराब है इसकी, एक बार बंद कर देता तो खोलता ही नहीं फिर दोबारा। ना दोबारा नहीं खुलता है, मान लीजिए फ्लिपकार्ट सामान मंगा रहे हैं फिर रहे हैं उसमें भी मान लीजिए बंद हो गया ना अकाउंट, डिलीट इति हो गया, ब्लॉक हो गया, तो फ्लिपकार्ट नहीं खुलता है, उसमें भी बंद हो जाता है। नहीं होता है जो कोई भी प्रोडक्ट मंगाए कैंसिल कर रहे हैं, मंगा रहे हैं कैंसिल कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपका पूरा नंबर के साथ ब्लॉक कर देता है, ओपन होगा नहीं। मेरे साथ सर यही हुआ कि जिस टाइम मैंने, मेरे से तो ब्लॉक नहीं हुआ था, मेरे साथ यही हुआ सर, मैंने एक सामान ऑर्डर किया था बट मुझे क्या हुआ कि उसको जो मुझे इमरजेंसी में उसको कैंसिल करना पड़ा, मतलब ऑर्डर करने के बाद मुझे उसको कैंसिल करना पड़ा, परसों डिलीवरी है तो मैंने कैंसिल कर दिया। जस्ट कैंसिल करने के बाद अगले दिन देखता हूँ कि वो मेरा ब्लॉक हो चुका, तो मुझे लग रहा था मेरा वो कारण हो सकता है इस बार। ना 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 तो लेकिन लेकिन पे लेटर नहीं चुकाएगा तो अकाउंट तो ब्लॉक कर देगा, समझ गए? जो अकाउंट है आपका ब्लॉक हो जाएगा। मतलब मैं फिर बाद में पेमेंट कर दूंगा तो नहीं ओपन होगा, तब पर भी ओपन होगा, एक बार बंद हो गया तो हो गया, दोबारा ओपन नहीं होता है। मुझे ये लग रहा है ना कि ये लोग जो है मेरा, जब तक मेरा ये पूरा मतलब पेमेंट क्लियर नहीं होता ना, मेरा 2 मंथ का और बचा हुआ, मुझे लग रहा भाई ये अगर दो मतलब मेरे 2 मंथ का जो बचा हुआ ये मेरा क्लियर नहीं होता है, अगर ये मेरा क्लियर हो जाएगा तो मुझे लग रहा है ये सब बंद कर सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं होगा तो मुझे नहीं लग रहा जब तक बंद करेंगे। बिल्कुल 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 सही बोला, क्योंकि ये बंद कर देंगे तो सिंपल सी बात है मैं पेमेंट कर ही नहीं पाऊंगा उसमें, खोलेगा ही नहीं तो मैं पेमेंट कहां से करूंगा, सिंपल सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता है भाई, मैंने आपको YouTube पे वीडियो देखा था तो मुझे थोड़ा टेंशन क्या कहते हैं उस टाइम फ्री हुआ था, मैं बहुत टेंशन में था उस टाइम में, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरे को ये डर लग रहा था कि मतलब ये आ जाएंगे रिकवरी करने के लिए या पुलिस पुलिस वाला कोई केस। ना ना ये तो बहुत दूर की बात है, कोई भी पुलिस पुलिस आएगा नहीं, ठीक है, ये इनका काम है डराना धमकाना, अपना इनका काम मतलब की जारी है, कुछ ऐसा ऐसा होता नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, देखा था ना इसलिए मैं सोचा कि पूछ लेता, डर तो लग रहा था। ना ना कोई डर नहीं, कोई भी जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। बोला कि मेरा 20,000 का है, 4 महीना हो गया मेरे पास, अभी कोई कॉल टॉल कोई कितना कितने एक साल से भी नहीं रिपेमेंट किया है। हाँ वो भी कहते हैं एक साल से मतलब रिपेमेंट नहीं किया, क्यों कह रहे 3 साल से नहीं किया हो, उस समय कोई दिक्कत नहीं है। एक कल मैंने कमेंट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि उसके पास कॉल आया तो उसने सीधा बोल दिया कि भाई जो करना कर लो, नहीं है मेरे पास पैसा, मैं नहीं भरूंगा, तो वो भी कह रहे हैं कि मेरे पास जो है कोई आया नहीं है अभी तक। अब कुछ का वीडियो देखा, वो कह रहे हैं कि भाई आ जाते हैं 15-20 हजार रहता है, तो सो वो कस्टमर पर डिपेंड करता है ना, मान लीजिए कॉल किया डरे तो उसमें दिक्कत हो जाएगा, नहीं डरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो कॉल ही नहीं उठाता, मैं अननोन नंबर उठाता ही नहीं हूं, तो कॉलर पे दिखा देता है ना कि फ्रॉड तरोड़ ये वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कॉल ही नहीं उठाता हूं सबका। अब है क्या कि मैंने आधार कार्ड जो दे रखा ना भाई, वो मेरा आधार कार्ड का एड्रेस क्या कहते कहीं और का, मतलब वहां मैं अब एग्जिस्ट नहीं करता, वहां मैं पहले बहुत पहले रहता था, आज से लगभग 10-12 साल पहले रहता था वहां पे, तो वहां पे जो मैं एग्जिस्ट नहीं करता हूँ। अब है क्या दूसरा जगह पे मैं हूँ, मतलब आधार कार्ड में मैंने एड्रेस चेंज नहीं कराया अभी तक। अच्छा तो वहीं पर जाएगा। हाँ तो वहां पर जाएगा तो कोई फर्क उससे कुछ होने वाला है नहीं।
तो ये एक प्लस पॉइंट था, लेकिन मुझे वही थोड़ा अंदर अंदर डर भी लग रहा है कि यार मतलब ये पुलिस पुलिस वाला केस ना हो जाए, ना ना मतलब ये कुछ भी आ जाए, जिसको जिसको आना है आ जाए, लेकिन वो पुलिस पुलिस वाला कोई सीन ना हो, ना कोई पुलिस वाला केस नहीं होगा, टेंशन मत लो। क्योंकि पुलिस वाला सीन हो जाता है ना तो करियर में पड़ जाता है ना पूरा, वही ना, पुलिस का करियर खराब हो जाएगा, करियर खराब हो जाएगा, कहीं भी जॉब नहीं मिलेगा, टेंशन हो जाएगा। मेन वही है, मैं क्या कहते हैं, मैं भी गवर्नमेंट का ही क्या कहते हैं वो कंपटीशन का ही तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब हो चाहे आप प्राइवेट में भी चाहिएगा, बढ़िया बढ़िया कंपनी में तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, वही एक प्रॉब्लम है। इसलिए जो है ना मैं पुलिस के चलते जो ना आपसे मतलब कांटेक्ट करना चाह रहा था कि मैं पुलिस पुलिस वाला, ना 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 ये सब नहीं होती है पुलिस वुलिस। अब देखिए कहाँ पर लीगल कार्रवाई होती है, वहां पर होती है कि पैसा नहीं दिए, 420 कर लिए, फ्रॉड कर दिए, चाहे आप घर नहीं रहता लोन पर, घर मतलब के लिए है उसमें तो सारा घर के कागज लेकर जाया रहता है सर, सेटलमेंट नहीं करवाए, नहीं करवा रहे हैं, भाग गए हैं तो 420 का केस हो जाएगा, तो उसके लिए पुलिस आती है ना। अब भागते फिर रहे हैं, अब जैसे नहीं हुआ बार बार रिकवरी एजेंट आ रहे हैं घर पर नहीं है, बोल दे रहे हैं कि ये है वो है, उसी के साथ मारपीट करना स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पर पुलिस लेकर आएगा तो वहां पर मतलब दिक्कत हो जाएगा। अब ये सब थोड़े ना उतना बड़ा मतलब क्या कि 5,000 के लिए पुलिस आएगा, ये सब इसके अंदर आता नहीं है। 5,000 के लिए तो उसको क्या कहते हैं पुलिस को पहले 5,000, आरबीआई तो खुद कहती है कि मतलब कि ये सब पर कोई लीगल कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भाई आपको देख कर लोन थोड़े ना दिया, ये तो लोन दे दिया आपको मतलब कि ऐसे ही पेन कर दे, तो अपना मन से दिया, हम थोड़े ना उसे छीने हैं, वो अपना मन से दिया, मन से दिया है। जितना भी आपका लिमिट दे, 2,000 दे चाहे 5,000 दे, जब नहीं जब इसको यही था होना था तो ये पहले पहले ही से और डॉक्यूमेंट जो कुछ भी 10,000-25,000 लोन लेते हैं दूसरा किसी भी चीज में तो नहीं मिलता है लोन, डॉक्यूमेंट ही काट देता है वो सीधा, तो जब ऐसा ऐसा है तो इसको भी सेम करना चाहिए, तब ना जाके कोई लीगल केस बनेगा। बिल्कुल वही भाई, मुझे कंफ्यूजन था बस, नहीं डॉक्यूमेंट का है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्या कि मेरा एग्जाम है मार्च में और मैं क्या कहता हूँ पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसके चलते में इतना टेंशन हो रहा था, रात भर सोते उठते जो उसी का टेंशन हो जाता था। तो वही मैंने वीडियो देखा, ऐसे वीडियो देखने लगा, वीडियो देखा तो आपका वीडियो देखा तो तब मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे मैसेज करता हूँ, तो आपने बोला उस दिन व्हाट्सएप पे आने के लिए, मैं व्हाट्सएप पे मैं गया तो वो सिर्फ चैनल दिखा रहा है वहाँ पे, तो मैंने फिर अभी वहां वहां गया तो वहां नहीं, तब मैं फिर मैसेज किया हूँ आपको फिर इंस्टाग्राम पे। नहीं कोई टेंशन है, कोई बात नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जो पेमेंट तो मैं कर दूंगा, पेमेंट मेरे पास आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा रख करके। बिल्कुल 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 ठीक है भाई, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक, थैंक यू भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर बात विचार हो गई, इनको बता दिए क्या करनी है, तो कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है, कोई भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके मन में डाउट है कि भाई लीगल एक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो कुछ लीगल एक्शन यहाँ पर होगा नहीं। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए, आपका जो भी मन में डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए भाई, तो डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी यहाँ पर बात है, यदि आपका डाउट। हाँ हाँ भाई बोलिए। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए बोलिए भाई। हाँ सर, कहाँ से बोल रहे हो? हम फोन किए थे आप उधर से लोन के बारे में पूछना, बोलिए। हाँ भाई, जो जो लोन का जो है ना, हाँ 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 फर्जी लोन, अच्छा फ्रॉड एप्लीकेशन, नहीं तो कॉल में से आता तो इग्नोर कीजिए, ठीक है एक सप्ताह। अच्छा हाँ, जितना इग्नोर कीजिएगा उतना पैसा वैसा मत दीजिएगा, तो आप स्टोरी लगा दीजिए कि मेरा फोन हैक हो चुका है। अच्छा और उसके बाद देखिए एक सप्ताह तक, तो कितना दिन अभी हुआ है? अभी 4 दिन हो रहा है। अभी 4 दिन हुआ है, तो कम से कम एक सप्ताह तक इसको इग्नोर कीजिए कॉल मैसेज को, कितना? एक सप्ताह, 1 वीक, ठीक है ना? अच्छा हाँ, इग्नोर कीजिए, सब चीज अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब कुछ और कुछ तो करेंगे तो नहीं ना? ना ना और कुछ नहीं होगा, बस यही कॉन्टेक्ट लिस्ट करता है उसी को मतलब कि डराता धमकाता है, तो कॉन्टेक्ट लिस्ट पर उन्हीं के पास कॉल करते हैं जिसका नाम रिस्पेक्ट पुलिस सेफ के, जैसे ब्रदर सिस्टर पापा मम्मी के नाम से। हाँ फैमिली कॉन्टेक्ट, हाँ फैमिली, तो बता दीजिए सबको कि मोबाइल हैक हो गया है, समझ गया, जो भी ये बता दीजिए।